उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वंद्या चौरसिया मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट से मशरूम की खेती की ट्रेनिंग ली है। वंद्या ने हरहुआ इलाके में मशरूम की खेती तब शुरू कर दी थी जब वाराणसी में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं था। 98 से मशरूम की खेती कर रही हूँ और पहले मैं जौनपुर में करती थी और 2000 में बनारस में शुरू किया है। प्रोडक्ट इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो और पहले मशरूम लोग खाते नहीं थे, तो मैंने जब शुरू किया था बहुत कम लोग ही खाते थे। वंद्या के बेटे सोहम भी मुंबई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अधूरे मन से उनसे जुड़ गए थे, लेकिन अब वो तकरीबन पूरा काम देखते हैं। ज़्यादा तक अभी प्रोडक्शन यूनिट और मार्केटिंग में ही देख रहा हूँ। हाँ, दिन में ज़्यादा तक प्रोडक्शन यूनिट देखना होता है, रात में अक्सर मार्केटिंग देखना होता है क्योंकि मंडियाँ रात में लगती हैं इधर। मम्मी तो लास्ट 25 साल से कर रही हैं, तो देखते देखते थोड़ा बहुत तो आ गया और बाकी करते करते आ गया। पहले तो लगभग 4 कमरे से स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे 12-13 कमरे हो गए, तो ऐसे ही धीरे धीरे कंटिन्यू आएंगे, बढ़ाते रहेंगे। वंद्या बताती हैं कि पहले बिजली की बहुत कटौती होती थी, इस वजह से उन्हें मशरूम की खेती बंद करनी पड़ी थी क्योंकि उसके लिए एयर कंडीशनर की जरूरत होती है। अब वाराणसी में बिजली कटौती न के बराबर होती है, जिससे वंद्या की मशरूम की खेती खूब फल फूल गई है। इससे वंद्या को हर महीने लाखों का मुनाफा भी होता है। वंद्या को सीएम योगी उत्तर प्रदेश की विशेष महिला पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुके हैं।